somebody out there. If I didn't chase you, would you even care? And if I lost my mind, would you come around? I will keep you safe and sound after all this time. हेलो विक्टर, हेलो राज, हेलो हमीद भाई, क्या हाल चाल? वेलकम वेलकम हमीद भाई। अरे हमीद भाई, मैंने व्हाट्सअप किया था कि आज बकरीद है क्या, पूछ रहा था मैं, क्योंकि मेरे कुछ दोस्तों के मैसेज आ रहे तो मुझे पता नहीं चल रहा वो क्या लिख रहे हैं। हेलो कार्डबोर्ड, क्या हाल चाल? वेलकम। हाँ आज बकरीद है। अरे अरे अरे, बहुत बहुत मुबारक। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने स्टेटस लगाया है और कुछ ने मुझे व्हाट्सएप किया, तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि ईद को बकरीद, मैं दोनों में समझ नहीं पा रहा था, तो मुझे लग रहा था कि आज बकरीद है, तो वही मैंने कहा कि तुमसे कंफर्म करता हूँ यार, तुम बता दोगे सही तरीके से, तो फिर मैं उसके हिसाब से ना उनको विश कर सकूँ। उनका अभी तक मैंने रिप्लाई ही नहीं दिया, कुछ भी पता ही नहीं चल रहा था कि क्या रिप्लाई देना मुझे। चलो अभी पता चल गया कि बकरीद है, तो विश करूँगा उनको। टुडे बकरीद, ओके, नहीं पता था ना मुझे। चलो बढ़िया। तो फिर आज तो फुल एंजॉय हो रहा होगा आपका, तो आपके घर पर आपकी फैमिली में तो फुल वो चल रहा होगा, क्या कहते हैं, फैमिली गैदरिंग टुगेदर वगैरह जो होता है ना त्यौहार का, वो चल रहा होगा तुम्हारा, तो इंजॉय वगैरह। भाई शॉप में कौन सी, शॉप में कौन सी, एक मिनट पढ़ता हूँ रुको जरा। शॉप में कौन सी मिसाइल बेस्ट है? अभी वेट करो अभी ना। वैसे शॉप में तो दो मिसाइल सबसे अच्छी है, एक है स्कॉल्प, सेकेंड है टाइप 40। ठीक है, दोनों मिसाइल्स बहुत अच्छी है, दोनों मिसाइल्स बहुत अच्छे हैं। दोनों मिसाइल्स में से कोई भी मिसाइल्स यूज़ कर लो, दोनों का लगभग सेम ही रिस्पॉन्स है। बकरीद में बकरी खाते हैं क्या, ये मुझे क्यों पूछ रहे हो? उनका कुछ रस्म होता होगा तभी बकरीद बोलते हैं, मुझे पूरा पता नहीं है। ऐसा ना कि जब तक पूरी तरह बात पता ना हो ना, तो कुछ कहना गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि गलत अगर बोल दिया, कुछ गलत मैसेज चलेगा सामने वाले के पास, तो वो एक गलत इंप्रेशन पड़ता है, मैं ये समझता हूँ। फुल रेन ओनली दिस डे। हाँ मेरे इधर बारिश का मौसम बना हुआ है, लेकिन बारिश का कुछ सीन स्टार्ट हुआ नहीं, बारिश का मौसम जरूर बना हुआ है।
अरे कोरियन का ये मैं इसको शायद जानता हूँ, ये जो मेरे सामने है मुझे याद नहीं आ रहा है कि इसको मैं कैसे जानता हूँ, कुछ तो जाना पहचाना लग रहा है मुझे ये। बहुत पिटाई हो रही है। अरे मुझे मदरशिप का अटैक कैसे आ गया, किसने मारा मेरे ऊपर? बाहर ना चले जाइयो, बाहर मत, वही बोला ना मैंने कि बाहर मत जाइयो भाई, जो मर्जी चलेगा सब अलाउड है, बाहर नहीं जाना था लेकिन। हेलो वामसे बबलू, क्या हाल चाल? रिफ्रेश कर दो, रिफ्रेश कर दो स्ट्रीम को, कुछ नहीं हुआ, बस रिफ्रेश कर दो। यार ये तो टाइटन मरने का नाम नहीं ले रहा यार, पता नहीं क्या चल रहा है, मर क्यों नहीं रहा यार टाइटन। एक तो शील्ड दे रहा बार बार डिमेटर उसको। हेलो जॉय, क्या हाल चाल? वेलकम वेलकम जॉय। भैया कौन सा वेपन्स मार रहा है ये मुझे, ये क्या मार रहा है, ये क्या लगा रखा है? मैन कोर का देखूंगा मैं, हैंगर डिमेटर पे क्या लगा रखा है इसने? गया यार, मैन कोर का हैंगर देखना पड़ेगा। गेम प्ले विद लुचाडोर सोनिक, नहीं मैं वो नहीं कर सकता, लुचाडोर नहीं है मेरे पास, है लेकिन लेवल अप नहीं है, तो इसलिए इसके लिए मेरे लिए वो जीरो है, जो लेवल अप नहीं है वो जीरो है मेरे हिसाब से, मैं लेवल अप वाली चीज़ों को ही यूज़ करता हूँ। खासकर टाइटन तो बहुत ज़रूरी है, लेवल अप होना चाहिए, और खासकर लुचाडोर, लुचाडोर तो फ्रंट पे आकर खेलने वाला टाइटन है तो वो तो। अरे भाई सामने फुल स्क्वाड आई थी, एक मिनट यार, एक मिनट। कहाँ किया ये रहा, ये डिमेटर पे क्या लगा कर खेल रहा था यार? अरे ओरकन था रे भाई, अल्टीमेट ओरकन था, मैं भी वही बोलूँ भाई, सिंगल सिंगल फायर कर रहा है कंटिन्यूसली और क्या डैमेज दे रहा मुझे भाई साहब, इतना ओपी बना रखा है इसका मतलब कि अल्टीमेट ओरकन को, अगर इसके पास तीन होते वो भी MK3 लेवल के, तो भाई ये तो सामने वाले का तो, ये तो मुझे लगता है कि ये टाइटन को भी नहीं छोड़ेगा। अल्टीमेट ओरकन क्या डैमेज दे रहा था, बहुत जबरदस्त है यार अल्टीमेट ओरकन तो, फिर इसका मतलब। हेलो पायलट, क्या हाल चल? सचिन डिड दे लाई अबाउट फ्री टाइटन? या दे ऑलरेडी अनाउंस्ड दैट यू विल गेट, एवरी वन विल गेट आई थिंक सो फ्री टाइटन, आई थिंक सो। तो ये मामला था भाई, फुल स्कोर था सामने और जबरदस्त वाला वो सेटअप लगाकर खेला जा रहा था। गेम प्ले ओरकन एंड स्पाइक, नहीं ओरकन की वजह से मुझे डैमेज मिल रहा था, मुझे वही तो कह रहा था कि एक एक वेपन्स है जो गंदा डैमेज दे रहा था मुझे, वही चेक करने के लिए गया था, देखा तो ओरकन था वो अल्टीमेट। हेलो बंजुल, क्या हाल चल? अभी अभी देखा तुम्हारा मैसेज, अभी नेक्स्ट मैच में इन्वाइट करता हूँ।
अरे यार, तुम्हारे मैसेज तक देखने चक्कर में अटका हुआ था ये। मैं क्या आगे क्यों नहीं बढ़ रहा ये? भाई इमोगी अपग्रेड क्यों करूं या ऑप्शन के लिए रखूं? मुझे तो देखो डेविल भाई ने मना कर दिया था इमोगी को यूज़ करने के लिए, बट मेरे पास कुछ भी नहीं था मेटा में, मेरे पास कुछ भी नहीं था तो मुझे फिर इसलिए करना पड़ा। मेटा मतलब कि इन द सेंस लिंक्स नहीं है, क्राइसिस नहीं है, रीपर नहीं है, ठीक है ना, इमोगी भी नहीं था, क्रोल एंगलर भी नहीं था मेरे पास, था क्या मेरे पास? कुछ भी नहीं, तो इसलिए मुझे फिर इमोगी को करना पड़ा। वो नॉर्मल नहीं था इसलिए मैंने सोचा कर ही देता हूँ आर्टेड मुगी को, बट मेरे हिसाब से रुक जाओ, सपेरा भी आ रहा है ठीक है, और आई थिंक फिर वही दिक्कत होगी ना, सपेरा ज़्यादा अच्छा मुझे लग रहा कि चलेगा, क्योंकि लेज़र वेपन्स को नर्फ कर रहे हैं ना, तो आर्टेड मुगी फिर लेज़र वेपन्स के साथ ही अच्छा चल रहा है। अगर वो नहीं हुआ तो इसका मतलब कि मुगी को अपग्रेड करना बेकार है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर लेज़र वेपन्स का बुरा हाल कर दिया ना इन्होंने नर्फ में, तो फिर तो इमुगी भी गया समझो। मुझे लग रहा था मैंने गलती कर दी, शील्ड मदरशिप पहले नहीं मारनी चाहिए थी, मुझे लग रहा था। चलो अच्छा किया तूने, बीकन दे दिया मुझे। मैं तो डीके हजार्ड के सोच रहा था, डीके हजार्ड इतना अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से, बट तुम्हें लग रहा है कि सही है तो यूज़ कर सकते हो। एनीवे मैंने भी राकेश को लुच्चा लेवल अप करने से मना कर दिया, उसके पास सिर्फ डैमेज मॉड्यूल्स हैं, कोई अच्छा वेपन नहीं है। मैंने देखा तुम्हारा मैसेज, मैंने रीड कर लिया था, डोंट वरी। कार्डबोर्ड बॉय दे विल गिव सचिन F20 अल्टीमेट और का, अरे नहीं नहीं मुझे नहीं मिलने वाला। हाँ एक नहीं मिलेगा, और का नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, अगर मिलना होता तो मिल चुका होता, स्पिन में ना डालते हैं। आजा आजा मार ले मार ले। हाँ कुछ भी कर सकता है तू तो, हवा में उड़कर कुछ भी कर सकता है। बीकन लेने के लिए तो आ भाई आगे, यहाँ हवा में खेलता रहेगा। एंड यू गोट वन इमोगी, बैड लक। हाँ यार इमोगी, अरे वो क्या करूँ मैं यार, मुझे पता है ये, अब मुझे इमोगी मिल गया ना तो बार बार ये मुझे इमोगी ही फेंकते रहेंगे, मुझे पता है इसका, ये चीज़ होता है, ये नॉर्मल है। चलो काफ़ी हद तक डैमेज तो दिया। अभी तू यहाँ आएगा, आई नो दैट, पधारो यहाँ पर पधारो, और बदला लेगा पूरा ये पूरी खुंदक निकालेगा।
गलत टाइम पर रिलोड मारता है, गलत टाइम पर रिलोड। भाई साहब अब ये ले गया किल मेरा। क्या यार उसका स्टेल्थ बहुत लंबा है यार, लिंक्स का ना स्टेल्थ टाइम लंबा है काफी, मैंने देखा है। हमला हो गया हमारे बेस के ऊपर। चलो जी वामसी बबलू, लेजर कूलडाउन पायलट करो चाहे यूज़ चाहे कोई भी यूज़ करो, सारे जीरो लेवल के हैं ना, तो लेवल अप करने में टाइम लगता है, लेवल अप करने में टाइम लगता है। तो मुझे तीनों पायलट मिल गए थे एक साथ, ठीक है। मैंने तीनों पायलट, तीसरा पायलट जो कूलडाउन वाला है ना वो लास्ट में मिला मुझे, पहले दो पायलट मुझे मिल गए थे, दोनों को यूज़ किया, दोनों को मैंने आई थिंक 10-10 लेवल कर लिया है। तो थर्ड पायलट के ऊपर अभी टाइम लगाना ये करना ना करना, पहले दो पायलट को तो समझ लो है क्या चीज़ वो। बाबा टाइल्स टाइटल्स में रिव्यू बताओ। अरे जरूरत नहीं है न्यू फीचर टाइटल्स, यू गोट फुल इमोगी बेटा सेटअप। चलो जी अभी जीत तो गया, कहता कि मैं नहीं खेलूंगा। और बंजुल आ रही देर, बंजुल आ रही देर, यस इनवाइट करता हूँ मैं, रुको जरा। ऑनलाइन आ जाओ गेम में, ठीक है ना, इनवाइट कर रहे जा रहा हूँ। हेलो नेथन, वेलकम वेलकम नेथन। गिव अवे कुड गेमिंग वोन, हाँ बिल्कुल एकदम फेयर और बिल्कुल जेन्युइन, बिल्कुल रैंडम मतलब कि स्पिन किया था मैंने, उसका नाम आ गया, बढ़िया है, लक अच्छा उसका। मैंने ना सॉफ्टवेयर के थ्रू सारा डिक्लेयर किया है ताकि कोई ये ना बोले कि मुझे नहीं चिताया, मुझे नहीं चिताया वो वगैरह वगैरह वगैरह। मैं कहा रैंडम स्पिन करो, जिसका नाम आ गया आ गया, सीधी सी बात है। लक अच्छा था उसका, आ गया, किसी का भी आ सकता था नाम, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी छः विनर्स को तो मैंने कभी नाम ही नहीं सुने उनके, पहली बार ऐसा लगा कि ये पहली बार जीत रहे हैं जो भी है। I just came. आई होप फेंटर नर्फ नहीं होगा, फेंटर को नर्फ नहीं हो चुका, वो पहले से ही हो चुका नर्फ, वो पहले से नर्फ हो चुका है, उसको दोबारा नहीं करने वाले। भाई हाउ टू डू इट, कुछ नहीं, तुम्हें बस गूगल पे जाकर अपना लिखना है यूट्यूब कमेंट पिकर, और तुम्हें वहाँ पर बहुत सारी साइट्स मिल जाएंगी, कोई भी साइट पकड़ लो, वहाँ पर लिंक डालना होता है जहाँ पर कमेंट्स आ रहे होते हैं जिस वीडियो पे, और बस स्पिन करो विनर्स के लिए, अपने आप आते जाएंगे विनर्स, कुछ ज़्यादा लंबा छोटा काम नहीं उसमें। स्ट्रीम बंद कर दी क्या अभिजीत, वेलकम वेलकम अभिजीत, स्ट्रीम बंद कर दी क्या,
ये मारा क्या इसने भाई? क्या गंदे गंदे वेपन्स यूज़ कर लेते हैं यार ये लोग, पता भी नहीं चल रहा मुझे तो कौन क्या यूज़ कर रहा है, क्या है क्या नहीं। बवाल है ये, क्या ये क्या है ये, अलग ही लेवल के बंदे आ रहे हैं। तो फुटबॉल आ गया उधर, हाँ एंड कर दिया, बैटरी कम था। ओके मैं स्टेल्थ मोड में नहीं गया, जाना चाहिए था मुझे स्टेल्थ मोड में, गया क्यों नहीं? मेरा मदरशिप पे वो टैरेट लगा हुआ है जो कि स्टेल्थ मोड में जाएगा, मैं जैसे ही मदरशिप यूज़ करूँगा, बट गया क्यों नहीं? भाई साहब मैं इसको लॉक तक नहीं कर पा रहा एंगलर को, क्यों भाई? शील्ड जब थी, जब नहीं थी तब तो लॉक कर सकता था ना मैं। भाई ये क्या है, ऐसे लग रहा है जैसे मेरे वेपन्स में दम ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, समझ नहीं लग रही कि क्या चल रहा है। कभी कभी तो ऐसे होता है मेरे साथ, मैंने देखा है लेजर वेपन्स के साथ 2 सेकेंड्स में लॉक हो जाता है, और क्रूअल एंगलर एंगलर को कुछ फर्क ही नहीं पता चला। फ्लाई मार्स ओपी इन दी चैट, लेजर्स फुल लेवल अप नहीं हुआ ना अभी, लेवल 10 पे एक ले गया मैं, अभी कर रहा हूँ लेवल अप, और सिल्वर ख़त्म हो रखा है यार, सिल्वर बहुत मांगता है ना, सिल्वर ख़त्म हो रखा है। सिल्वर आएगा, और कल आया था ना 25% सिल्वर ओवरड्राइव, तो मैंने क्या लगाया था उस टाइम लेवल अप करने के लिए, मुझे याद ही नहीं आ रहा कल मैंने क्या लेवल अप कर रहा था। खैपरी लिंक कर दे, ये एक तो ना लोग खैपरी को भी यूज कर रहे हैं लेकिन लिंक करके नहीं खेलते, दिमाग खराब मेरा। एक ये भी होता है कि सामने वाले कि चाहते क्या हैं, स्टेल्थ मोड में गया। अबे क्वांटम सेंसर यूज कर रहा है आई थिंक सो। हेलो विनोद क्या हाल चाल, हेलो संतान क्या हाल चाल, वेलकम वेलकम। ये देखो ये हाल होता है फेंड्रियर का, इसलिए यूज़ नहीं करता मैं चैंपियन लीग में फेंट्रियर को, कोई औकात नहीं है फेंट्रियर की अभी चैंपियन लीग में। मैं बड़ी मेहनत से 3 फेंटर्स मार्स को लेवल 9 कर रहा हूँ, फेंटर्स नर्फ हुआ तो WR डेवलपर्स गए। व्हाट्स इज 7 PM फॉर मी, आई एम अबाउट टू ईट डिनर। ओके बस बढ़िया विनोद, तुम सुनाओ कैसे हो?
मुझे नहीं लगता अभी फेंड्रियर का कोई फायदा है हैंगर में रखने का, मुझे नहीं लगता। फेंड्रियर बेस्ट टू पिकअप एट स्टार्ट एंड डिफेंड बीकन्स। फेंड्रियर बेस्ट टू पिकअप एट स्टार्ट एंड डिफेंड बीकन्स। कहाँ डिफेंड कर रहा है यार, कैसी बातें कर रहा है, किसी से भी नहीं डिफेंड नहीं हो पा रहा ये, कोई भी इसको आकर मार जाता है, कोसैक की तरह खेल रहा है ये। हेलो यट्स गेमिंग चैनल, वेलकम वेलकम यट्स गेमिंग चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द स्ट्रीम। अरे भाई लोगों, तुम लोग लाइक क्यों नहीं करते? मैं कल देख रहा था मेरी स्ट्रीम पे, कल लाइक नहीं आए थे ज़्यादा जितने आते हैं नॉर्मली। लाइक क्यों नहीं कर रहे हो रे भाई लोगों, कम से कम एक एक दो दो लाइक तो कर दो यार। तीन गेम लॉस, 100% विन विक्ट्री। अरे कहाँ है यार, देख कार्डबोर्ड, मैं विक्ट्री के लिए या फिर लॉस हो रहा मैच मेरा, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मेरे लिए है सबसे पहले सिल्वर उठाना, सिल्वर ख़त्म है मेरे पास, एक सिंगल वेपन्स को भी नहीं मैं अपग्रेड कर पा रहा, सिल्वर ख़त्म है पूरा। मैं सिल्वर के लिए खेल रहा हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं हार रहा हूँ जीत रहा हूँ, कोई मुझे इनाम नहीं मिल जाएगा पिक्सोनिक से मेरे जीतने से या हारने से, कोई मुझे कोई वो CCP से नहीं बाहर निकाल देंगे तो मेरे लिए वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है मुझे अपना लेवल अप करना है हैंगर, सीधी सी बात है, उसके लिए सिल्वर चाहिए, और सिल्वर खेलने से आएगा, बैठे रहने से नहीं आएगा। बस वही ट्राई कर रहा हूँ बस। अबे इस पे तो नोबोला लगाया था ना मैंने, एक मिनट, ये तो पंगा हो गया, चेंज करना पड़ेगा। मेरे पास इतने भी चिप्स नहीं पड़े कि मैं कैस्ट्रल ड्रोन को मैक्स कर लूं, हद है रे भाई। चलो एनीवे, वेट सचिन, डू यू हैव लेजेंडरी पायलट ऑन योर फेंड्रियर वन दैट रिमूव्स दैट शील्ड बट गिव्स? या आई ऑलरेडी यूजिंग 60 लेवल ऑफ पायलट, दैट वन इज वोल्फ, बर्नार्डे वोल्फ। आई नो दैट यू वट यू आर सेइंग, आई नो दैट, बट इट इज यूजलेस नाउ विदाउट गुड ड्रोन। आई वॉन्ट कैस्ट्रल, अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ओपी कैस्ट्रल ड्रोन अच्छा है, लेकिन अपग्रेड करना पड़ेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि अपग्रेड नहीं कर पा रहे, उसके जो चिप्स है ना बहुत कॉस्टली है, अपग्रेड चिप्स नहीं बाय कर सकता कोई भी, और मिल भी नहीं रहे ना, पाँच पाँच करके दे रहे हैं डेली, कोई पाँच मिल जाने से भी क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा यार। अरे भाई तू आगे आ जा पहले ले, तू खेल ले, तू खेल ले पहले, जा जा, मुझे बीच में घसीट रहा है। या ट्रू, आई वाज सपोज टू से इंस्टेड ऑफ माय CCP वन व्यू नीडेड, वन व्यू नीडेड मतलब माय CCP वन व्यू नीडेड, मतलब कि तुम्हारा डबल एंड डबल एंड व्यूज हो चुके हैं, तुम्हारा कहने का मतलब ये है 10,000 कंप्लीट करने के लिए वन व्यू और चाहिए, तुम्हारा कहने का मतलब ये है, तो शॉर्ट फॉर्म में मत लिखा करो ये वन नीडेड, ये समझ से बाहर हो जाता है मेरे लिए कई बार कि क्या लिख रहे तुम लोग यार। ये जॉय भी उससे भी ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म यूज़ करता है जॉय।
अपकमिंग अपडेट्स में फैंड्रियर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, न्यू टैंक डाल देंगे। तीन बंदे इनके ऊपर बैठे हुए हैं छत पर, ये पतंग उड़ाने को लगे हुए हैं। मोर एच पी देन फैंड्रियर, सही बोला ब्रो, मेरे फैंड्रियर का भी यही हाल है। इसको ना डस्टबिन में फेंक दो, फैंड्रियर का भी यही हो सकता है। मैंने पहले ही बोला था कि या तो इसके ऊपर डीके हैजर्ड लगाकर खेलो, लॉन्ग रेंज वेपन्स बनाकर इसको स्नाइपर की तरह यूज़ करो बस। अब इसकी यही एक वो रह गई है। ग्रेटर प्रोग्राम थ्रू आपको क्राइसिस रोबोट नहीं मिला? अभी मेरा एक तरह से एक्सेप्ट हुआ भाई, उससे पहले क्राइसिस बढ़ चुके थे, उससे पहले ना क्राइसिस बढ़ चुके थे। अगर ऐसा होता तो मेरे अकाउंट में होता एस्टम क्राइसिस, तो मैं उससे खेल रहा होता। उठाओ उठाओ बीकन उठाओ, ये मैच तो आ गया हमारे हाथ में। उधर दो बंदे हैं ना बस, ठीक है। कल आपने गुस्सा करके आधे बच्चे डरा कर भगा दिए थे, ऐसा नहीं है वापस आ गए थे वो, कुछ नहीं हुआ था ऐसा। फैंड्री विद पैलेडिन रिपेयर एम्प एंड तरंट रिडीमर यूज़ करो ब्रो, मैंने इट परफॉर्म वेल इन बियर। अरे वो तुक्का लग गया होगा तुम्हारा अगर ऐसे परफॉर्म कर रहा, तो मेरा तुक्का नहीं लग रहा, मुझे तो सीधा जान से मार दे रहे मेरे फैंड्रियर को। ब्रो मैंने लाइक किया है, अरे बिल्कुल सही बात है, जिन्होंने लाइक किया अच्छी बात है, और जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर दो भाई लोगों। गाइस शुड आई यूज कैशल ड्रोन, शो डाउन ड्रोन और दाल को दाल रोटी? ये देखा लॉक हो गया ना 2 सेकंड्स में, ये भी देखो 2 से 3 सेकंड में लॉक हो गया। वो क्रूल एंगलर नहीं हुआ भाई, किस मिट्टी का बना हुआ था क्रूल एंगलर, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि क्रूल एंगलर के साथ क्या सीन हो गया है। अरे रुक जा मेरे लाल, मैं दे रहा हूँ तुझे मदरशिप, ऐसी वाली मदरशिप दूंगा, स्टेल्थ मोड में मिलेगा, ये ले जा जी ले अपनी ज़िंदगी, तेरी एचपी भी होगी काफ़ी अच्छी और स्टेल्थ मोड में मिल गया होगा तुझे, जा जी ले अपनी ज़िंदगी। कांट सी लाइक, तुम लाइक कर दो, लाइक काउंटिंग मैंने हाइड कर रखा, लाइक नहीं हाइड कर रखा, ओके कांट सी लाइक। गाइस शुड आई यूज कैस्टल ड्रोन? यस यस कार्डबोर्ड बॉय, विच ड्रोन शुड आई यूज ब्रो? यूज टाइफून विद जो एंड, अरे जो ऑलरेडी मैं यूज़ कर रहा हूँ ना उसके ऊपर, मेरे पास जो बहुत सारे हैं लेकिन लेवल अप नहीं है, लेवल अप सिर्फ 3 है, इसलिए मैं मार्स पे कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने टाइफून पे मेस लगा रखा है, मेस मेरा मार्क 2 लेवल है।
अरे चैंपियन लीग में ना हम ट्राई नहीं कर सकते मार्क वन के वेपन्स भी नहीं ट्राई कर सकते, बूथ बना देंगे। ये इमुगी पे लेजर वेपन्स ही चलेंगे, इसलिए मुझे लेजर वेपन्स यूज़ करने पड़ रहे हैं जो कि मार्क वन लेवल के हैं, अदरवाइज इस पे ये भी ना यूज़ करूँ मैं। मैक्स मॉड्यूल्स यूज़ करने पड़ते हैं भाई चैंपियन लीग में। तुमने मेरी कल वाली वीडियो देखी थी मार्स की, मैक्स मॉड्यूल्स थे सारे मेरे, कोई भी रोबोट नहीं जिसमें मेरे मॉड्यूल्स मैक्स ना हो, कोई भी रोबोट ऐसा नहीं है। रिस्क नहीं होता भाई इसमें, रिस्क लिया तो ख़त्म, रिस्क लिया ही नहीं जा सकता चैंपियन लीग में। ऊपर से मेरे पास अभी तक यही तक नहीं मिला, ये तुम्हारा क्या है डैश वाला रोबोट का नाम क्या है, नेथर, अभी तक ये तक नहीं मिला मुझे। हद है, पूरी दुनिया को लेकर घूम रही है ये वाला रोबोट, मेरे अकाउंट में नहीं है। मैं तो बिना मैसेज किए बोलता हूँ विदाउट वर्ड्स। अरे बचा लो रे भाई, एक तो यहाँ पर ये पता नहीं कौन है, चलो बीकन तो आया कम से कम। तुम्हें पता है ये रवाना पे ये सुईदा का वेपन्स बहुत अच्छा चल रहा है रवाना पे, मैं भी सोच रहा हूँ रवाना पे सुईदा का वेपन्स बिल्ड बनाने का। रवाना ऑलरेडी है, एक और सुईदा का चाहिए, मेरे पास दो हैं, एक और सुईदा का आ जाएगा ना मीडियम वाला, तो रवाना पे ये बिल्ड बनाकर खेलूँगा मैं। अगला टारगेट मेरा यही है, रवाना पे सुईदा का लगा कर खेलना है। हेलो सुमित, क्या हाल चाल, वेलकम वेलकम सुमित। रवाना में क्या सुविधा का, सबको पता, मैं उसको सुई धागा बोलता हूँ, नीडल वगैरह को सबको पता है सुई धागा दाल रोटी सबको पता है। रवाना मैं देख रहा हूँ चैंपियन लीग में ना, अभी रवाना सुविधा का ज़्यादा चल रहा है, ये देखो दूसरी बार देख लिया मैंने अपने इसी मैच में, सेकंड रोबोट देख लिया मैंने रवाना सुविधा का के साथ, अभी ये बिल्ड ज़्यादा अच्छा चल रहा है। बड़ी जल्दी मैंने देखा ये कैच होता है आज की डेट में, एक बंदे ने यूज़ करना स्टार्ट किया, देखा देखिए मैं सारे यूज़ करते हैं। कहाँ ये कहाँ स्कॉर्पियन मर गया, ओके रेस्टोर कौन यूज़ करता है, उसका ज़माना गया रेस्टोर का ज़माना गया भाई।
मंजुल कह रहा होगा भाई तू मेरे साथ खेल रहा है कि इंदिरा के साथ खेल रहा है, उसको टैग करके उसको हील कर रहा है मुझे छोड़कर। ये भी लॉक हो गया, ये नहीं हो रहा अभी, ये भी हो गए लॉक, तू भी लॉक हो, सबको लॉक कर करके मारूंगा। ये हो गया ना लॉक, हाँ चलो ये भी लॉक हो गया। ये फायदा है इस वेपन्स का, दूर बैठे बैठे लॉक करो खत्म। अरे ये रवाना है, ये नहीं लॉक होने वाला, ये नहीं लॉक होने वाला, पीछे आ जा, ये तुझे लॉक कर देगा। अगर ढंग से यूज किया जाए ना रवाना, बहुत बहुत खतरनाक रोबोट है अगर ढंग से यूज किया जाए तो। अबे भाई पीछे से कैसे कोई आ सकता है यार, क्या यार, मैं आराम से उसको मार रहा हूँ सामने वाले टाइटन को, पीछे से मुझे और कोई आकर पेल गया। कसम से यार ये वाले ड्रोन, ये वाला इंदिरा तो, क्रैकन इंदिरा विद सोनी वेपन्स तो खतरनाक है। कार्डबोर्ड ड्रोन से पैरालिसिस, पैरालिसिस कर रहा है उसको लोग, लेजर वेपन्स लोग करता है क्या? नहीं नहीं अरे पैरालिसिस ड्रोन लगा रहा हूँ ना मैं उस पर, तो इसलिए वो लोग हो रहा है। कजल यू नीड टू गेट क्लोज बट टाइफून नॉट ए लॉट ऑफ एचपी, बट इफ यू वाना गेट क्लोज यू कुड यूज फोर्टिफायर। ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ मैं फोर्टिफायर, मेरे पास एक ही है मैक्स है, तो वो ऑलरेडी मैं मार्स पे यूज कर रहा हूँ, और टाइफून पे मैंने ना इसलिए वो लगा रखा है तुम्हारा वाइट आउट ड्रोन लगा रखा है टाइफून पे, वो हेल्प करेगा ना अगर क्लोज में कोई अगर आता तो, वाइट आउट ड्रोन लगा रखा है। बंजुल मुझे दिखा रहा है कि 11 मिलियन का 11 मिलियन का डैमेज किया है, मैंने स्कोर बोर्ड ही नहीं देखा। क्या यार कम से स्कोर बोर्ड तो देखना चाहिए था। पैरालिसिस इज नॉट बैड, मैंने पैरालिसिस की वजह से बहुत किल उठाए हैं, बहुत बढ़िया ड्रोन है। कैस्टल ड्रोन इज बेटर देन ऑक्टेनियन। Still lost. अरे नहीं किसी का था 11 मिलियन, अरे बंजुल का था 11 मिलियन, उसने मुझे अभी मैसेज किया, ये देखना लिखा उसने, मेरा नहीं कह रहा मैं अपना नहीं मैं डैमेज कह रहा, मेरा डैमेज तो हो ही नहीं सकता ज़्यादा। अब मास्टर में हूँ मैं, मास्टर टू में हूँ, लेकिन मास्टर टू वाले को चैम्पियन के प्लेयर्स आते हैं। द एडवांटेज ऑफ लॉकडाउन कैन kill you simply, can kill you simply, कैसे? Hello किशन, क्या हाल चाल? Welcome welcome किशन।
गाइस व्हाट वुड यू रन ऑन योर इमोगी। हाँ बंजुल डन 11 मिलियन डैमेज। हाँ वही तो बोल रहा हूँ मैं भी, बंजुल ने किया। मैं अपनी कहाँ बात कर रहा हूँ यार, मुझे बीच में लग मैं तो लाओ मेरा मैक्सिमम 8.6 तो नहीं 8.7 मैक्सिमम मेरा डैमेज रिकॉर्ड है अभी तक का। 10 मिलियन भी नहीं हुआ अभी तक, 11 मिलियन तो बड़ी दूर की बात है। देखो दो मार्स भाई, दो मार्स के टर्नेट आ रहे मेरे ऊपर बेटा। एक बार नर्फ हो जाने दो उन मार्स को तुम हैंगर से ही पार कर दोगे इसको, तुम कहोगे इसको हैंगर में भी नहीं रखना। तो नर्फ होने दो बस, एक बार हैंगर से भी बाहर कर दोगे तुम तो अबे चढ़ जा ऊपर, तुझे ऊपर चढ़ाने के लिए भी फेंका था, नीचे गिरने के लिए नहीं। कौन मार रहा है इधर से मुझे? ये मार देगा अब मुझे, भाग ले। बच गया रे, बच गया कैसे? आई डोंट नो। ले 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 किल ले ले भाई, किल ले ले, बड़ा परेशान कर रखा है इसने। किल ले ले भाई, आ बढ़िया। बहुत देर से 5 बीकन्स लेकर बैठे हुए हैं यार ये लोग, हद है। ले हार गए हम तो, हार गए। खत्म खत्म खत्म, गेम खत्म भाई, गेम खत्म। टाटा बाय बाय सी यू। चलो गेम खत्म। हेलो गॉड ऑफ थंडर, रवाना अकेले सबसे पुराना है फिर भी चल रहा है। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हेलो पीटी, क्या हाल चाल? वेलकम वेलकम पीटी। मैंने तो ये एंगलर और रस्ट वेपन्स पहले ही हैंगर से निकाल दिया था। एंगलर को मत निकालो, एंगलर अभी भी चल रहा है बंजूल अब तेरा वेरी योर डैमेज नाउ। इस मैच में मैं इसको पूछता हूँ कि तेरा डैमेज कहाँ गया इस मैच का वो कहेगा क्या सचिन भाई, जब मैंने 11 मिलियन किया था तब तो देखा नहीं अब 1 मिलियन भी नहीं हुआ तो आप देख रहे हो और ऊपर से महसूस कर रहे हो मैं आऊँ सचिन ब्रो मिलके पेलेंगे। हाँ आ जाओ, हारने जीतने के लिए परवाह मत करना फिर, मैं हारने जीतने के लिए नहीं खेलता। अगर तुम्हें उसकी परवाह हो तो देख लो मुझे भाई बेस से बाहर तो निकलने दो भाई मुझे। कौन था ये मार रहा थी?
देश से बाहर ही नहीं निकलने दिया इसने तो। और पढ़ लो चैट। अरे क्या करूँ मैं, इसलिए बोलता हूँ मैच के टाइम पर ना चैट मत किया करो या फिर आपस में बात कर लो। मैंने जैसे ही मैसेज पढ़ रहा था वो किसी ने लेजर से पहले लॉक किया और पेल डाला पूरा। ये देखो राइट साइड से फिर डैमेज दे रहा था मुझे। भाई साहब इसका कुछ करना पड़ेगा, ये राइट साइड में बैठा हुआ है, अच्छी पोजीशन पे बैठा हुआ है जो आराम से टारगेट कर रहा हमें। बंजूर भी आ गया। बंजूर एक दो तीन चार पांच, पांच हमारे प्लेयर एक ही बीकन पे और एक अपने होम बीकन को प्रोटेक्ट कर रहे हम। ये हाल है। लो उनका वो भी आ गए, दो तीन और बंदे आ गए पीछे से। भाई मैं जा रहा कहीं और, नहीं तो हम हार जाएंगे ऐसे तो। हेलो कीप डिकिंग बेस्ट पायलट सेटिंग फॉर एंगुलर बट यू हैव टू टेल मी आल्सो व्हाट वेपन्स यू आर गोइंग टू यूज ऑन एंगुलर। फिजिकल शील्ड का काफ़ी यूज है अब। मैं कहता हूँ कि अभी तो ये कईयों को मैंने देखा है कि लिंक्स को मारने के लिए, क्राइसिस को मारने के लिए ना, अब तो पांच रोबोट्स में से तीन रोबोट्स में मुझे क्वांटम सेंसर दिख जाएगा, क्वांटम रेडार दिख जाएगा। क्योंकि ना क्राइसिस आराम से, क्राइसिस रीपर के साथ आराम से टाइटन को पेल डालता है, तो उससे बचने के लिए ना अभी ये क्वांटम सेंसर क्वांटम रेडार यूज़ हो रहा ज़्यादा। यार ये बैठा हुआ, ये देखा, देखो 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 ये बैठा क्राइसिस। भाई मैं नहीं जा रहा उधर, बेचारे मेरे टाइटन का भूत बना देगा ये। अरे अभिजीत अभिजीत इसका जरा हेल्प करना क्वेरी का, इसका क्वेरी का हेल्प करना कीप डिगिंग का। एंगलर का पायलट पूछ रहा है, पूछना जरा कि इसके पास कौन कौन से पायलट है, इसकी क्वेरीज को हेल्प कर सॉल्व करना। मैं मैच में हूँ अभी, जॉय हेल्प करना जॉय एंड अभिजीत। कीप डिगिंग पूछ रहा था कि कौन सा पायलट यूज़ करना चाहिए, पूछना कौन कौन से पायलट्स हैं और क्या क्या वेपन्स यूज़ करना चाहता है। क्योंकि ना लेजेंडरी पायलट्स भी होना बड़ी वो बात है ना, कि लेजेंडरी पायलट्स है कि नहीं ये भी पता करना पड़ेगा। मेरा मन कर रहा है कि पहले उसको मार कराऊं। यार इसकी शील्ड पे पंचर काम करेगा, नहीं कर रहा ना लोग, नहीं कर रहा इसका मतलब। स्टेल्थ मोड में चला गया कैसे, नहीं कर रहा, बहुत कम डैमेज दे रहा इसको शील्ड पे, बहुत कम डैमेज दे रहा। देखो लोग तक नहीं कर पा रहा मेरा पंचर। अरे यहाँ पर कैसे इन्होंने ले लिया बीकन, ये कौन सा महारथी आया यहाँ पर बीकन लेकर गया। तो
ये मैच यार जीत सकते थे यार, अच्छा खासा कवर कर लिया था बीकन पे हमने, होल्ड कर लिया था यार। इसकी शील्ड कैसे तोड़ूं यार, ये शील्ड टूटेगी नहीं इसकी। राइट साइड से एक और इंद्र आ रहा है, चलो ये तो गया, ये तो गया, ये तो गया, यस ये गया। भाई साहब कौन कौन से रोबोट्स ले आते पुराने बाबा आलम के ज़माने के। भाई ये क्या वेपन्स मार रहा था। हेलो कोड, क्या हाल चाल। जो वेपन्स कैन बाईपास रूक शील्ड, अच्छा बढ़िया। इसके ऊपर टैलोन लगा लूँगा फिर मैं। कुछ भी नहीं हो रहा, देखे एचपी तो वही वही क्यों वही है बैठी इसकी एचपी यार। टाइट इस रूक टाइटन की एचपी को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था, शील्ड भी नहीं टूट रही, एचपी भी नहीं जा रही, क्या करूंगा मैं इसका। थैंक्स फॉर द पायलट। अरे कोट तुमने देखा कि वो रैंडम पिक हुआ था, रैंडम पिक किया था मैंने सबका, तो उसमें तुम्हारा नाम निकला, लकी हो कि तुम्हारा नाम आया। आई डिडेंट डू एनीथिंग, योर लक इज सो ओपी। रैंडम पिक करना सबसे बेस्ट है। नहीं, 7 विनर्स निकले थे पायलट के, 7 विनर्स निकले थे। सिर्फ को पता चल गया था कि रूक हवा में है तो डिफीट कर पाऊँ, नहीं तो बेचारे सिर्फ की वो हो जाती, सुसाइड हो जाता बेचारे सिर्फ का मेरे। इसको मैं टैलेंट लगाता हूँ मैं यार, क्योंकि मैं स्पेशली सिर्फ को ना टाइटन के लिए निकालता हूँ हैंगर से।
मैं ना एक वोटिंग करने वाला हूँ, वोटिंग बिल्कुल फेयर करना, ठीक है? मैं एक अभी वोटिंग स्टार्ट करने वाला हूँ, तो वोटिंग ना बिल्कुल फेयर करना, ठीक है? वोटिंग क्या होगी कि अभी ना लाइव स्ट्रीम के बीच में एक यूट्यूब ने ना नया फीचर ऐड किया है, ठीक है? यूट्यूब ने ना नया फीचर ऐड किया है। सुनो सुनो सुनो, सारे बात सुनो मेरी। यूट्यूब ने ना नया फीचर ऐड किया है कि लाइव स्ट्रीम के बीच में भी तुम ऐड चला सकते हो, ठीक है? और कईयों को मैंने, मेरे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, अच्छे अच्छे यूट्यूबर जो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, तो उनके अच्छे खासे सब्सक्राइबर है, ठीक है? वो क्या कर रहे हैं, उनकी लाइव स्ट्रीम पे अच्छी खासी वॉचिंग आती है, तो उन्होंने ये कर दिया स्टार्ट कि लाइव स्ट्रीम के बीच पर ऐड दे देना, उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। तो अभी मैं भी सोच रहा हूँ कि लाइव स्ट्रीम के बीच में अगर मैं ऐड देता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ऐड कौन सी आ रही है, ये तुमसे पूछना चाहता हूँ मैं। जब मेरी ऐड चलेगी तो तुम्हें कौन सी ऐड मिल रही? दो तरह की ऐड होती है, एक होती है ऐड जिसमें 3 सेकंड्स के बाद स्किप कर सकते हो तुम, उसे स्किप वाली ऐड कहते हैं, ठीक है? दूसरी ऐड होती है जिसमें स्किप का ऑप्शन नहीं आ रहा, पूरी 15 सेकंड, 20 सेकंड या 25 सेकंड या 30 सेकंड की पूरी ऐड चल रही है। दो तरह की ऐड होती है, तो तुमने वोटिंग करनी है कि तुम्हें जो ऐड मिली है कौन सी वाली ऐड मिली है, स्किप नॉन स्किप, ऐसे करके मैं वोटिंग करूँगा। एड देखने से 5 रुपये लेंगे। अरे तुम 10 रुपये ले लेना भाई, तुम मेरे से 10 रुपये ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तुम्हें पता है, तुम्हें पता है ये यूट्यूब की जो अर्निंग है पहले के मुकाबले बहुत कम हो गई है। यूट्यूब ना अभी परसेंटेज जो हमें दे रहा है ना वो बहुत कम दे रहा है, पहले ज़्यादा थी, अभी कम कर दी है। आप नॉन स्किप एबल ऐड था? नहीं, मैं स्किप वाला, मैं ना देखो मेरे हाथ में नहीं है कि स्किप वाला नॉन स्किप वाला डालना, मेरे हाथ में नहीं, आई थिंक सो। मैं रुको जरा, मैं चेक करता हूँ। नहीं, 10 रुपये ले लेंगे। तुम जो मर्जी ले लेना यार, बड़ा प्लान है यूट्यूब का। मैं अभी चेक करता हूँ कि कौन कौन सा। हाँ, चलाक हो गया यूट्यूबर, हाँ सही बता रहा हूँ मैं। और तुम मानोगे नहीं कि इन्होंने, पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता, कई सारी तुम वीडियोस भी देखोगे शायद इस बारे में, कार्डबोर्ड भी जानता है इस बारे में, शायद कार्डबोर्ड भी जानता है, कार्डबोर्ड को भी पता है, इसका भी चैनल है और ये मोस्टली शॉर्ट वीडियो डालता है, और शॉर्ट वीडियोस पे व्यूज़ पर अर्निंग नहीं हो रही, पता नहीं क्यों नहीं हो रही, मुझे नहीं पता, शॉर्ट वीडियोस की ऊपर अर्निंग नहीं हो रही, ठीक है ना? तो एक तो ये भी रीज़न है कि अर्निंग कम कर दी इन्होंने। अभी मैं ऐड स्टार्ट करने जा रहा हूँ, रुको जरा, मुझे बताना। 10 मिलियन व्यूज़ भाई, बहुत ज़्यादा होते हैं 10 मिलियन व्यूज़, यहाँ पर 500 करोड़ नहीं होते शॉर्ट वीडियो पे। 10 मिलियन व्यूज़ कहाँ से लाएंगे? क्यों अभी जीत, अगर 10 मिलियन व्यूज़ आ जाए तो हम CCP में प्लेटिनम रैंक पे ना चले जाए। टिकटॉक जैसा कोई न्यू ऐप आ रहा है क्या? नहीं, अभी तक तो मुझे नहीं पता। शॉर्ट्स में चाहिए, ओके, कार्डबोर्ड, समझ गया। यूट्यूब ने रूल्स चेंज किए हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा कर दिए चेंज, बहुत ज़्यादा चेंज कर दिए, वही तो बात है। रुको जरा यार, इस पे अभी एक्टिवेट कर रहा हूँ, एक्टिवेट भी नहीं करने दे रहा अभी, पता नहीं क्यों। यहाँ पर तो मेरा चैनल मोनेटाइज दिखा रहा है,
वीडियो, और इस पर क्यों नहीं है देखो जरा। मार्स कैन टेक आउट रुक इफ रुक डजंट प्ले अटेंशन फाइटिंग यू। हुआ मेरे साथ अच्छा। अब शॉर्ट्स में अर्न का 45% हमारी, लॉन्ग में 50% हमारी। तो यार ये रेशो भी कोई समझ में आती है, 45% 55% क्यों इतना रेशो बना रखा भाई? हमारा यूट्यूब में अर्निंग का रेशो कितना गलत है। कम से कम यूट्यूब वालों के पास 25% 75% हमारे पास होना चाहिए यार। सारी मेहनत हम कर रहे हैं तो ये तो गलत है ना यार, ये तो गलत है, वही तो बोल रहा हूँ मैं, ये तो गलत है यार। सारी मेहनत हम कर रहे हैं लेकिन हमें मिल क्या रहा, कुछ भी नहीं। बाबा जी को ठुल्लू। ओके मैं एवरी 6 मिनट, उसमें ना ऑप्शन आ रहा है, सुनो, इसमें ना 3-4 ऑप्शन आ रहे हैं लाइव स्ट्रीम के बीच में, कितने कितने मिनट्स का इंटरवल डालना है ऐड का। पहला इंटरवल आ रहा है 6 मिनट्स, 12 मिनट्स, 18 मिनट्स, 24 मिनट्स या 30 मिनट्स। तो अभी मैं 6 मिनट्स का डाल रहा हूँ, मुझे ना चेक करना है कि कौन सी वीडियो तुम्हें मिल रही है, ऐड मिल रही है, तो इसलिए मुझे वो चेक करना है। तो एवरी 6 मिनट्स का मैंने डाल दिया है, 24 का नहीं आ रहा ऑप्शन भाई, 30 मिनट्स मैक्सिमम है, मिनिमम 6 मिनट्स है, मिनिमम 6 मिनट्स है, मैक्सिमम 30 मिनट्स है। तो मैंने अभी 6 मिनट्स का डाला है। चलो एक और अच्छी बात है, स्किप ऐड का ऑप्शन आ रहा है, मैंने यहाँ पर देखा कि स्किप ऐड का ऑप्शन दिया उन्होंने। बाकी देखो कि क्या होता है, जैसे जैसे तुम्हें मिलती जाए तो मुझे ना बताना मैसेज करके, कमेंट करके कि मुझे स्किप वाला आया ऑप्शन, मुझे नॉन स्किप वाला ऑप्शन आया ऐड का, ठीक है, मुझे बताना जरा। मैंने एक्टिवेट कर दिया, थोड़ी देर में जैसे जैसे हर 6 मिनट में आएगा तुम्हारे पास ऐड, तो मुझे बताना जरा। और अगर ये भी बताना कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है लाइव स्ट्रीम कर बीच पे, लाइव स्ट्रीम के बीच में ऐड का आना तुम्हें इरिटेटिंग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, जेन्युइन बताना, जेन्युइन बताना, ठीक है। तुम्हें अगर इरिटेटिंग लग रहा है कि यार ऐड आ रही है यार बहुत ज़्यादा लाइव स्ट्रीम के बीच में, या इंटरवल कितना होना चाहिए, एक ऐड तो उन्होंने अभी दे दी है ना, एक ऐड तो उन्होंने अभी दे दी होगी तुम्हें, तुम्हारे पास आ गई होगी एक ऐड, और स्किप वाली ऐड आ रही है आई थिंक सो, क्योंकि मैं जिसमें मैसेज रीड कर रहा हूँ ना इतना जल्दी आ गया। YouTube बहुत तेज है भाई, YouTube बहुत तेज है। तुम बोल रहे हो कि 6 मिनट बोला था कि 6 सेकंड्स बोला था। फाइव सेकंड्स का स्किप है, ओके। तो देखो 5 सेकंड्स 3 सेकंड्स स्किप करके करते ना मेरे सबसे तो फिर भी सही है ना, नॉन स्किप आया तो मेरे सबसे वो गलत है ना। नहीं आया ऐड, नहीं आया है, सबको आया है मेरे हिसाब से, मुझे भी आया, जॉय को भी आया, अभी मैं बोला हूँ और इरिटेटिंग लगता है ऐड्स, अभी मैं बोलता हूँ इरिटेटिंग लगता है ऐड। अरे नहीं, जेन्युइन बताना है अभिजीत, जेन्युइन बताना है, मजाक में मतलब जेन्युइन बताओ, क्योंकि मैं उसी हिसाब से सेट करूँ कि करना है कि नहीं करना है, बीच में ऐड लेकर आना और कितना इंटरवल रखना है। लाइव स्ट्रीम में अच्छा नहीं लगता, हाँ ये ऐसे जेन्युइन कमेंट दो जैसे अभी जॉय ने बोला। नहीं आया मुझे भी, अच्छा तुम्हें नहीं आया, नहीं आया ऐड, ओके कोई नहीं कोई नहीं, जिसको आ गया वो बताता चाहे, नहीं मिला ऐड कोई नहीं, आई लव गेम्स को भी नहीं मिला, कोई बात नहीं, मेरे जिस पे मैं रीड करता हूँ मैसेज उस पे आया है, जॉय को आया है, ओके हम दोनों को आ गया, जिससे जिसे आ रहा है ना ठीक है, वो अपना जेन्युइन देता जाए रिव्यू, और जिसे आएगा जब वो भी तब दे दे रिव्यूज़ का। वीडियो में ठीक है, बैकवर्ड फॉरवर्ड होता है, लाइव में नहीं कर सकते, लेकिन लाइव स्ट्रीम में नहीं कर सकते बात तो बिल्कुल ठीक है। हेलो चेतन क्या हालचाल, राम राम, बिकॉज आई वॉच्ड एट 30 मिनट्स बिफोर। अच्छा ठीक है कोई नहीं, आज यही करते हैं, कल से इसका मैं करूँगा फिर कि क्या करना चाहिए,
आई थिंक मुझे लगता है कि फिर इसका ना एड के बीच में ना जैसे 30 मिनट्स का गैप डाल दूंगा मैं, मैक्सिमम 30 मिनट्स है ना, तो 30 मिनट्स का गैप डाल दूंगा मैं, ये कर दूंगा मैं, ठीक है ना, ऐड रखूंगा लेकिन 30 मिनट्स का गैप डाल दूंगा, 30 मिनट्स मैक्सिमम है, तो आई थिंक ये इतना चलेगा सही है। मेरे को स्टीम की स्टार्टिंग में मिला था शायद इसलिए अभी नहीं आया, नहीं अभी दोबारा आएगा, अभी दोबारा मैंने एक्टिवेट कर दिया सेटिंग में जाकर, दोबारा आएगा, कभी भी आ जाएगा दोबारा आएगा। 50 साल हो गए MW की स्ट्रीम देखे हुए, अरे ये अभी अगले महीने की 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी मेरी लाइव स्ट्रीम, डोंट वरी, अगले महीने की लाइव अगले महीने से स्टार्ट हो जाएगी। अल्फा में बैठा हूँ ना यार, इसलिए नहीं कर पा रहा मैं, अल्फा में बैठा हूँ, अल्फा में लाइव स्ट्रीम करने का कोई फ़ायदा नहीं, कोई ऑनलाइन प्लेयर होगा ही नहीं तो किसके साथ खेलूँगा, किसको दिखाऊँगा, बोरिंग हो जाएगा सारा। नीड टू टॉक विद यूट्यूब CEO। अच्छा वीडियो में तो जितना मर्जी डालना दो, बेशक वीडियो की जगह पूरा ऐड डाल दो, पर लाइव में नहीं। ओके गाइस आई जस्ट केम बैक फ्रॉम माई डिनर, ओके गॉट इट, WR CEO के लिए ही चांस बहुत दूर है और तुम YouTube के पूछ रहे हो। अल्फा क्लोज हो गया है लेकिन हमारे मेरे उस पर नहीं हुआ, क्योंकि जब तक तुम्हारे में ग्लोबल सर्वर का अपडेट नहीं आ जाता ना, जब तक तुम्हें ग्लोबल सर्वर का अपडेट नहीं मिल जाता तब तक मुझे ग्लोबल सर्वर का अपडेट एक्सन से आ चुका है मेरे पास, समझो, तुम्हें नहीं मिला अभी तक। जब तक बाकी प्लेयर्स के पास ग्लोबल सर्वर का अपडेट नहीं आ जाता ना, तब तक मैं और तुम एक सर्वर में नहीं आ पाएंगे। अल्फा क्लोज हो जाने से कहीं कुछ मैटर नहीं करता, मैं अभी एक तरह से ग्लोबल सर्वर पे बैठा हूँ, तुम्हारे पास अभी ग्लोबल सर्वर का अपडेट आना है तो उसका वेट हो रहा है बस, जैसे तुम्हारे पास सर्वर का अपडेट आ जाएगा तो मेरा और तुम्हारा सब कुछ एक ही सर्वर पे आ जाएंगे हम सब। यार ऐड अनप्रिडिक्टेबल है तो थोड़ा आता है। अच्छा आई हैड सी फूड फ्राइड राइस, नाइस। अल्फा तो अल्फा है बेटा, क्या क्या काम, अरे ये एक तरह से बेटा टेस्ट ही होता है जो इसको, ये अल्फा बोलते हैं मॉडर्न वारशिप वाले, बेसिकली ये बेटा टेस्ट सर्वर ही है, जैसे वो WR में होता है ना, एक तरह से बेटा टेस्ट सर्वर ही है एक तरह से। अबे क्या करना था, मैंने जो कंप्लीट कर लिया मैं वीडियो बना लेता यार। डील डैमेज टू रोबोट्स यूजिंग यंडी रोबोट्स, अरे भाई मैंने कंप्लीट भी कर लिया, मैं इसके ऊपर वीडियो बना लेता। यंडी में मेरे पास आई थिंक ये है ना, इसलिए मेरा कंप्लीट हो गया बिना सोचे समझे, ये रहा ना मेरा यंडी रोबोट, ये कैपरी यंडी है ना, देखा इसने कर दिया होगा कंप्लीट, ये तो ईवो है, DSC है। अच्छा ये कौन सा है, इकारस, ये ईवो है, ये कौन सा है, स्पेस टेक। भाई हर एक फैक्शन का मेरे पास रोबोट है हर एक फैक्शन का रोबोट लगा रखा है मैंने एंगर पे, कोई भी टास्क दे दो मुझे ओपी। आई नो MW में तो में टेस्ट सर्वर नहीं है क्या, हाँ टेस्ट सर्वर है ना, उसी को तो हम अल्फा बोलते हैं, वो टेस्ट सर्वर को अल्फा बोलते हैं MW वाले, मैं अभी अल्फा में हूँ, एक तरह से टेस्ट सर्वर है वो, और MW में टेस्ट सर्वर हर कोई नहीं खेल सकता, सिर्फ कंटेंट क्रिएटर को अलाउड है। कीप अप द ग्रेट वर्क सचिन, गो टू गो, ओके अभिजीत बाबा टेक केयर ब्रो, अब CCMe में रहना, नेक्स्ट अपडेट में बायो लिंक्स आ रहा है, जो है प्रॉब्लम है कुछ थोड़ी सी, मैं अभी थोड़ा सा व्यूज में पीछे चल रहा हूँ, तो आई डोंट नो कि मैं कवर अप कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, बट anyway, जो होगा देखा जाएगा। भाई वो कैरियर ठीक है ना, वो बताया था आपका, हाँ बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया है यार। न्यू ट्रेंड आया, कौन सा न्यू ट्रेंड आया, इट्स लूनर अपडेट, दैट्स वाई वी आर गोइंग गिविंग ऑक्स मिनोस। अच्छा हेलो मॉडल, क्या चल, वेलकम वेलकम मॉडल कैप्री एंड इंद्रा, ओके डस सचिन हैव एनी यंडी रॉबर्ट्स, यस दिस इज माई यंडी कैपरी, आई हैव कंप्लीटेड माई ऑपरेशन ई टास्क। एक और नॉन स्किप ऐड आया, वाह क्या बात है, जॉय को बार बार आ रहा है।
नॉन स्किप आया ना, नॉन स्किप मतलब कि तुम स्किप नहीं कर पाए उसको, तुम उस एड को स्किप नहीं कर पाए जो है, एम आई राइट? हेलो राज, वेलकम वेलकम राज। मेरे को इतनी जल्दी ऐड क्यों आ रहा है? 6 मिनट्स का मैंने दिया ना इंटरवल, 6 मिनट्स का इंटरवल दिया है। मुझे ये नहीं समझ लग रहा बाकियों को क्यों नहीं आ रहा, मुझे भी दूसरी मोबाइल पे आ गया जिस पे मैं मैसेज रीड कर रहा हूँ। सचिन एंगलर इज ए यंडी रॉबर्ट एंगलर, लेट्स सी, वेट अ मिनट। नो इट इज ईवो लाइफ, एंगलर इज ईवो लाइफ। मैनू भी मन्नू भाई मोटर चली पोर्न पोर्न पोर्न। ब्रो आपने कितने सेकंड्स का लगाया है मुझे, हर मिनट्स में आ रहे हैं। अरे 6 मिनट का लगाया है भाई, 6 मिनट के इंटरवल पे आया होगा। सचिन मार्स इज आल्सो जेंडी फ्रॉम फैंडम। नो मार्स इज नॉट, वेट अ मिनट, मार्स इज नॉट ए यंडी, इट इज डीएससी। हु सेड दैट इट इज यंडी? मार्स इज डीएससी। सचिन भाई एड्स को ज़्यादा सीरियस मत लो। यस ओके, अभिजीत ही एंगलर है। यस अभिजीत ही एंगलर है। न्यू स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्सेस का न्यू ट्रेंड है, द म्यूजिक एलिफेंट का वॉइस है। अच्छा रवाना इस यंडी रोबोट, रवाना को रवाना कर देंगे हम। कहाँ है मेरा रवाना? आई थिंक रवाना यंडी है, बिल्कुल सही बोला। यस इट इज यंडी भाई। कल रात में नॉटिकल नाइट्स के मेंबर्स से राज तुम्हारी लास्ट लाइन नहीं समझ पाया मैं, लास्ट लाइन नहीं समझ पाया तुम्हारी, क्या लिखा है तुमने, दोबारा लिखो, लास्ट लाइन समझ नहीं पाया। अब ये WR की ऐड है, कहीं YouTube की ऐड मत समझ लेना। कहीं देखो स्किप कहाँ से करूँ। अरे WR गिव अवे अभी तक चल रहा है, इसको मैं बंद करूँ भाई, मरवाएगा ये मुझे। WR गिव अवे खत्म हो चुका है भाई, दोबारा दोबारा क्यों दे रहा है? रुको रुको रुको, मैं अभी रेज क्विट करने वाला था। सेविंग्स को बचाइए स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ, द हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट SHI स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, उससे आपका टैक्स। भाई कल रात में मैंने भूत देखा कब्रिस्तान में। अच्छा जी सचिन स्कैरोस फैंट्रेड इमोगी टाइफून रवाना एंड रेवेनेंट आर यंडी रॉबर्ट्स फ्रॉम फैंडम, सो डोंट ब्लेम मी इफ आई एम रॉन्ग। ओके गॉट इट। सिक्स मिनट्स हुए नहीं, 6 एड्स आ गई। चलो चलो कम से कम इतना तुम्हारे पास, अरे जॉय मुझे इतना बताओ तुम्हारे पास जितनी भी अभी ऐड आई है उसमें स्किप वाली हो नॉन स्किप वाली कितनी कितनी आई है मुझे इतना बता दो। मैं अभी ना चेंज करने जा रहा हूँ। वैसे फैंड्रियर इज ईवो लाइफ, यस फैंड्रियर इज ईवो लाइफ आई थिंक, यस रुको, यस इट इज ईवो लाइफ। फैंटम में फिर गलत इन्फॉर्मेशन आ रही है तुम्हें, इसका मतलब यंडी चाइनीज पीपल बी लाइक पिक्सो निक 100 रुपीज लेंगा। नोटिकल नेट्स के मेंबर, अरे दोबारा आ गई मुझे एक और ऐड भाई, कितनी ऐड दे रहा बार बार ये, रुको तो जरा यार, ये तो पागल कर देगा ऐड दे देकर। भाई दूसरी दो ऐड आई मेरी इस बार, मेरे दूसरे मोबाइल पे दो ऐड आई, एक नहीं दो ऐड आई।
भाई इतनी ऐड काहे को दे रहा तू। चलो 30 मिनट्स का मैंने इंटरवल डाल दिया, ठीक है ना। अभी मैंने डाल दिया 30 मिनट्स का इंटरवल, दो नॉन स्किप वन स्किप वाली। अच्छा चलो, अभी इंटरवल मैंने 30 मिनट्स का रख दिया, डोंट वरी। नॉटिकल स्नाइट्स के मेंबर ने मेरी जोमैटो को बोला वो किसी के काम का नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, दूसरों की बातों को मत देखो। देखो अभी मैंने क्या है कि एक वीडियो बनाई थी मैंने आर एफ दर्जी की ऊपर, ठीक है, टीयर टू का शिप है, उसके साथ मैंने बहुत सारे मैचेस खेले, मोस्टली मैं जीता हूँ। अभी एक बंदा कमेंट करके बोल रहा है कि भाई आपकी ये वीडियो देखकर मैंने शिप ले लिया, सारा सेटअप ले लिया, ठीक है, मिसाइल्स ले लिया, टोरपेडो ले लिया, लेकिन मैं हार रहा हूँ, आपकी वजह से मेरे सारे सिल्वर वेस्ट हो गए। तो भाई ऐसे बंदों का कोई कोई वो ही नहीं है, उनका गेमिंग स्किल इशू है, वो गेम स्किल इशू है उनका, उनका गेम स्किल अच्छा नहीं है। कोई भी शिप पकड़ा दो उसको, वो बेकार ही बोलेंगे। तो हर एक शिप का ना एडवांटेज है, हर एक एक शिप का डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, तो इस चीज़ को मत सीरियस लेकर चलो। जोमेटो का एक अपना ही एक लेवल है, डोंट वरी। अनदर 18 सेकेंड्स नॉन स्किप। हाँ वो मैंने हटा दिया, अभी नहीं आएगा। अब 30 मिनट्स का इंटरवल डाल दिया, मेरे को भी एक भी ऐड नहीं आया। आई लव गेम्स, मेरे ख्याल से तुम ना वो एड ब्लॉकर एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, आई थिंक सो, एड ब्लॉकर। आई डोंट इवन गोट एड कार्डबोर्ड भी, आई थिंक यू आर यूजिंग एड ब्लॉकर एप्लीकेशन, आई थिंक सो कार्डबोर्ड एंड आई लव गेम्स। गाइस देयर स्पेसटेक ईवो लाइफ यंडी वेंचर्स इकरस टेक्नोलॉजीज एंड DSA ऑल्सो नोन एज डिफेंस एंड सिक्योरिटी ऑल दी फैक्शंस। ओके ओके, नो यार, आई थिंक योर मोबाइल इज सो हैवी सिक्योरिटी इनेबल्ड, दैट्स व्हाई यू आर नॉट गेटिंग फालतू एड्स। नहीं भाई कोई ब्लॉकर नहीं है, स्टीम के स्टार्ट में एक ऐड आया था सिर्फ, पता नहीं फिर तुम्हें क्यों नहीं आया दोबारा से, आई डोंट नो। चलो कोई बात नहीं, एनीवे एंजॉय करो, कोई बात नहीं। हेलो नेट्स HD, हेलो एंड वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग स्ट्रीम एंड थैंक यू सो मच फॉर ए बिग सपोर्ट। दैट इज विच करेंसी एंड ओके, आई हैव टू सी। अच्छा ओके, कोरियन करेंसी, इट इज़ कोरियन करेंसी। ओके थैंक यू सो मच फॉर ए बिग सपोर्ट नेट्स HD, थैंक यू सो मच। सेवेंटी INR दी है, ओके नाइस नाइस, नॉट बैड। नहीं सामने वाले का अमाउंट मत काउंट करो, ठीक है, सामने वाले की फीलिंग्स काउंट करो यार। कितने उसको कन्वर्ट मत करो, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, कन्वर्ट मत करो, ठीक है, वो अच्छा नहीं लगता, उसकी फीलिंग्स देखो, ठीक है, मेरे लिए फीलिंग्स मैटर करता है। तुम सब मेरे स्ट्रीम पर आते हो ना, वो फीलिंग्स मैटर कर रही है यहाँ पर, ठीक है। मैंने कभी नहीं बोला कि डोनेशन दो, ये करो वो करो, मेरे लिए ये मैटर नहीं करता था ना, मेरे लिए मैटर करती फीलिंग्स। अगर तुम्हारे लिए तुम्हारे दिल में फीलिंग्स है मेरे लिए, तो वो ज़्यादा मैटर करती है। सोच रहा होगा सुपर शहर से अच्छा चाय पी लेता।
यार स्कैरस बहुत ज़्यादा हो गए यार, क्या यूज़ करूँ मुझे नहीं समझ नहीं आ रहा। मुझे ना स्कॉर्चर बिल्ड बनाना पड़ेगा इसके लिए। हाँ यार दिमाग खराब कर रखा है यार स्कैरस ने तो, यार मरते हैं नहीं। अबे ये क्या है, स्टेल्थ मोड में आ रहा है ये, भागा भागा क्या खा कर आया बस, जो स्टेल्थ मोड में चला गया तो। अबे उधर जाना, मेरे पास क्यों आ रहा है, अबे मेरे पास क्यों आ रहा भाई। अबे क्यों इतनी बार बार जा रहा है स्टेल्थ मोड में, अरे ये स्टेल्थ मोड में क्यों जा रहा है बार बार। एक मिनट यार, तू मार ले पहले, तू मार ले पहले। सीपी सीपी नहीं, ओपी, ओपी को चेक करना पड़ेगा हैंगर इसका, ओपी का हैंगर चेक करना पड़ेगा। माय करेंसी कॉस्ट अलॉट, ओके माय करंट कंट्री करेंसी। टाइफून स्कॉर्चर नहीं, टाइफून स्कॉर्चर भी अच्छा है बट मैं सोच रहा हूँ टाइफून पे जोर रहने दूंगा और मार्स पे स्कॉर्चर लगा दूंगा। करता हूँ मैं अगले मैच में, करता हूँ यार दिमाग खराब कर रखा है इन्होंने, अगले मैच में करता हूँ यार, चाहे कुछ ना कुछ तो करना पड़े करूँगा। एनी वन नोस वट $1 टू INR अप्रोक्स 78 रुपीज़, $1 इक्वल टू दैट वन इज इंडिया USA डॉलर और कैनेडियन डॉलर। यू आर टॉकिंग अबाउट USA डॉलर और कैनेडियन डॉलर कार्डबोर्ड, बिकॉज बोथ डॉलर आर डिफरेंट, यू नो दैट। ब्रो स्कॉर्चर इज सच ए ओल्ड वेपन्स, या आई नो दैट बट आई हैव टू यूज, आई हैव टू यूज, नो प्रॉब्लम आई विल यूज। भाई साहब यार रूक आ गया तो समझ लो गेम ख़त्म है अगर रूक आ गया तो समझ लो गेम ख़त्म है हमारी, मैं तो पीछे रह कर खेलूँगा जब तक मेरा टाइटन चार्ज नहीं हो जाता। बेचारा मेरा टाइटन भी चार्ज नहीं हुआ अभी तक, तो मैं नहीं बाहर आ रहा मैं नहीं बाहर आ रहा भाई, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ ये हुई ना बात, अब आओ अब आओ, दो दो टाइटन आ गए, अब आओ। ले भाई मदरशिप ले तू भी, अरे भाई मदरशिप का फायदा भी नहीं हुआ। $1 in 82, ओके ब्रो $500 इन माई करेंसी इज 30,330। ओ हो US है सचिन, ओके 30K है $500, ओके। एनबीबी कहेगा कि अब आओ सी माई कंट्री करेंसी कॉस्ट अलॉट, या वेट यार वेट वेट वेट, हर मैच हारने का ठेका ले रखा है क्या मैंने। एक तो सिर्फ भाई रूको नहीं कुछ कर पा रहा क्योंकि पंचर यूजफुल नहीं है यार, MK3 कर रखे मैंने पंचर को, वो हटाना पड़ेगा यार, ऐसे कैसे चलेगा सचिन, ऐसे कैसे चलेगा पंचर, MK3 हटाएगा तू, पंचर MK3 हटाना पड़ेगा तुझे, ऐसे कैसे काम चलेगा। एक मिनट यार एक मिनट, चलो एक ट्राई मारता हूँ मैं, एक ट्राई मारता हूँ, मुझे पता है कि वो ट्राई इतना यूजफुल नहीं रहेगा, आई नो दैट, बट ट्राई मारने में क्या जाता है। सचिन नॉट डूइंग जॉब फॉर लाइफ, सचिन नॉट डूइंग जॉब फॉर लाइफ, नो यू नो दैट आई डिड जस्ट माई सर्जरी, सो दैट्स वाई आई एम ऑन बेड रेस्ट, सो आफ्टर दैट आई विल सर्च न्यू जॉब एंड देन आई विल गो फॉर जॉब। वेट अ मिनट यार कहाँ गया चीता,
मेरा चीता कहाँ गया, ये रहा। माय $500 इन माय कंट्री इज आई थिंक मोर मनी फ्रॉम व्हाट सचिन अर्न्स इन अ मंथ। ओहो, आई एम नॉट सेंडिंग $500 इन दिस टीम, मे बी नेक्स्ट टाइम। नो, आई एम नॉट सेइंग टू एवरीवन दैट यू हैव टू डू डोनेशंस। यू आर वॉचिंग माई स्ट्रीम, दैट इज इनफ फॉर मी। यू आर गिविंग मी सपोर्ट, दैट इज इनफ फॉर मी। एक है मेरे पास राइम। ओहो, मुझे लग रहा था राइम मेरे पास ज़्यादा होंगे। अगर मैं टॉक्सिन लगाऊं, एक टॉक्सिन, दो टॉक्सिन, टॉक्सिन भी दो है भाई। ब्लेज भी डैमेज अच्छा देगा, लेकिन ब्लेज लगाने का फ़ायदा नहीं लग रहा मुझे। रुको जरा यार, अरे ये काम कर सकता हूँ मैं। हाँ ये सही रहेगा। वन मंथ रेस्ट इज ओवर, ऑल्सो नाइस वन कार्डबोर्ड बॉय। इफ आई सेंड $5,000, इट्स 1,50,000 इंडियन डॉलर्स, इंडियन डॉलर्स फॉर हिम। ओके, मे 5 यू सेड दैट दिस एंड नाउ जून 29, दिस इज ए मंथ। ओके, आई गॉट इट। नाउ वेट, इट्स, अरे डोंट कैलकुलेट इन डॉलर, दिस इज माई नॉट ए करेंसी स्ट्रीम। हाँ भाई, 2+2=22 होता है। मिसकैलकुलेटेड। अरे दिस इज नॉट माई करेंसी स्ट्रीम, दिस इज माई गेमिंग स्ट्रीम। चलो इस पे तो पहले मैं लगाता हूँ ये। देखी जाएगी जो होगा। लेवल 9 के वाइपर, बताओ कहाँ MK3 से लेवल 9 वाइपर पे आ गया। कम से कम बाईपास तो करेगा ना यार ये डैमेज। चलो ठीक है ना, इसको रहने देते ऐसे ही। और लेवल अप भी तो नहीं है ना मेरे। एक काम करता हूँ ना, ठीक है इसको हटाओ मैं यहाँ से, ठीक है। और कहाँ गया मेरा ये चीता, वेयर इज माई चीता, वेयर इज माई सेकंड चीता, ये रहा। यू आर पोर्शे विदाउट ब्रेक। आपके मीडियम और हैवी लेजर्स कितने लेवल के हो गए। एक को तो मैंने कर दिया है, दिखाता हूँ मैं ना पहले एक वेपन्स को पकड़ लेता हूँ मैं, उसको पहले Mk2 करके छोड़ता हूँ, ऐसे करके एक एक करके करता हूँ मैं। तो मेरा क्या सेटअप अभी कंप्लीट हुआ, ये देखो लेवल 10 हो गया एक मेरा, ठीक है लेवल 10 कर दिया मैंने। और सिल्वर चाहिए ना उसको और आगे अपग्रेड करने के लिए, सिल्वर नहीं है मेरे पास। ये देखो 43 मिलियन सिल्वर मांग रहा है, मेरे पास सिल्वर नहीं है इतना। सिल्वर सेव कर रहा हूँ ना अभी, मेरा काम सिर्फ सिल्वर पे अटका हुआ है। और अभी मेरे पास वो भी नहीं है ना, सिल्वर ओवरड्राइव ख़त्म हो चुका है, तो इसलिए अपग्रेड कुछ नहीं कर रहा मैं, सिल्वर चाहिए मुझे। तो लेवल 10 हो चुका है मेरा ये, दूसरा लेवल 6 पे मैंने छोड़ दिया था, और ये तेजा को मैंने लेवल 4 पे छोड़ा था। तो फिलहाल पहले मैं इसको लेवल 12 या Mk2 करके छोड़ूंगा, फिर दूसरे वेपन्स पे आऊँगा, लेकिन पहले सिल्वर चाहिए मुझे। हैवी मेरे पास लेवल 9 का है, हैवी मेरे पास लेवल 9 का है। ब्रो आई डोंट हैव ए पोर्शे,
things in my country are expensive. Oh, it's like $100,000 to buy a. Okay. इंडियन डॉलर नहीं रुपीस है. ओके $100 प्लस टू बाय. आई लव गेम्स. ओके अच्छा हाँ मैं जो कर रहा था मुझे वो तो करने दो यार. लेवल 6 का मैं करूँ यूज़ करा. चलो ये करके देखता हूँ, मैं ट्राई मारता हूँ. एक काम करता हूँ, इसको नहीं करता मैं, रुको जरा. इस पर तो मैं यही लगा रहने देता हूँ. आ गया ये रहा मेरा मैसेज. देखो अरे तुम्हारा मैसेज कैसे छूट गया. फेंडर पे ये वेपन्स आर्मेडिलो के साथ काफ़ी ओपी है. फेंड्रियर पे ना हाँ, लेकिन लेवल अप चाहिए. लेकिन उसके लिए किशन का मैसेज कहाँ गया. ऐसे तो बोल रहा है जैसे इसके जैसा कोई है ही नहीं आया बड़ा. अरे बड़े आते हैं बड़ी बड़ी फेंकने के लिए. छोड़ो हमें तो बस एंजॉय करना है उनकी. मैं बातों को सुन रहा हूँ बस. फ्यूचर मेरा मैसेज देख लिया. ओके लेट्स स्टॉप विद करेंसी. यस नेथन जस्ट स्टॉप करेंसी कैलकुलेशन. चलो ये तो हो गया क्योंकि शील्ड ब्रेकर चाहिए चाहिए. तो शील्ड ब्रेकर में सबसे बेस्ट यही है, सिर्फ सायरन और हार्पी को यूज़ करना. शील्ड ब्रेकर में सबसे बेस्ट यही है, बिना कोई मॉड्यूल यूज़ किए शील्ड ब्रेकर काम करता है. ठीक है ना, ये हो गया शील्ड ब्रेकर का काम है इसका. बढ़िया भाई. ऑपरेशन डेड हैंड स्टार्ट कर दो भाई. ऑपरेशन डेड हैंड स्टार्ट कर दो. वो क्या होता है मैं समझा नहीं. सचिन भाई स्कोट. अरे आओ तुम तो क्या कहते हैं आना बंद कर दिया था तुमने, तो खेलना भी मेरे ख्याल से बंद कर दिया था. पता नहीं क्या हुआ तुम्हें. आओ आओ. एनीवेज आई डोंट हैव एनी इशू. मुझे एक मिनट रुको जरा, ये क्रूल बैंड लगा रहा हूँ मैं मार्क टू लेवल के, इसके ऊपर एक मिनट दो जरा मुझे. नहीं होगा 300 मेरे रेंज है ना. हटा दिया वो मैंने, हटा दिया इसलिए हटा दिया. सचिन भाई व्हाट आर यू गोइंग टू डू नाउ. आई एम मेकिंग अ हैंगर टू किल रूक एंड स्कायरोस, सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग सम टाइम. या मी ट्राइंग टू लर्न सम इंडियंस. ओके कहाँ गया मेरा माइडिया. वेयर इज माई माइडिया. Where is my idea pilot, where are you. तुम्हें मालूम है किस किस को पता my idea pilot के बारे में. चलो बताओ किस किस को my idea pilot के बारे में पता है कि क्या काम करता my idea pilot. जल्दी से बताओ किस किस को पता my idea pilot क्या क्या काम करता है. एडवांटेज क्या है my idea pilot का, जिसे पता फटाफट से बताओ, मैं भी देखूँ जनरल नॉलेज तुम्हारी. हिंदी लर्न करने जाएगा, गालियाँ सीख जाएगा. टॉक्सिक वेपन्स डैमेज यस इंक्रीज करता है, 15% का बूस्ट है उसका. 15% डैमेज बूस्ट करता है टॉक्सिक. हाँ देखा टॉक्सिक वेपन्स का. ऑलरेडी मैंने इसको ना सेरफ के लिए बना रखा है. देखो ना तुम अपना सेरफ का मैंने बना रखा है इसको. तो ओके आर्मर एक्सपर्ट भी है. कितना मांग रहा है ये 1800 गोल्ड. वाह क्या बात है. डोट डैमेज इंक्रीज बाय 15% करेक्ट. ओके तो मेरा दो बिल्ड बन गए उसको मारने के लिए. बढ़िया है, ये भी लेवल अप है. लेवल 6 मार्क 2 के बने हुए हैं. बढ़िया है, ऊपर से स्पेशल एडिशन है. आई थिंक कुछ काम करेगा, देखते हैं. करना तो चाहिए इसको काम. किशन आईडी दो. पता नहीं तुम मेरे फ्रेंड लिस्ट में हो कि नहीं हो. आईडी दो फटाफट से. शुड आई यूज़ हीलिंग हैंगर फॉर स्कॉट. किशन हीलिंग हैंगर मत यूज़ करो. आई थिंक चैम्पियन के प्लेयर आ सकते हैं
ठीक है, क्योंकि मैं चैंपियन लीग में एक तरह से मुझे जो एनिमी सारे सारे मेरे चैंपियन लीग के आ रहे हैं, तो अपना जितना हो सके स्ट्रॉन्ग हैंगर और थोड़ा सा सेफ होकर खेलना पड़ेगा। बहुत पिटाई हो रही है, बहुत पिटाई हो रही है। हीलिंग हैंगर तो यूज़ करो ही मत, कोई फ़ायदा नहीं होगा। सचिन, तुम्हें अपने इंदर पर इवोरा और दूसरा हथियार का इस्तेमाल वज्रा और महावज्रा से बेहतर करना चाहिए। ओके नेथन, गॉट इट एंड नाइस ट्रांसलेटर, नाइस फ्रॉम गूगल ट्रांसलेट, नाइस। मुर्गा खाएंगे मुर्गा खाएंगे बड़े दिनों के बाद करके टंगड़ी को याद, वतन में मुर्गा खाएंगे। बढ़िया। तुम्हें पता है आई एम प्योर वेजिटेरियन, तो ऐसी बातें मत ही करो, मुझे अच्छी नहीं लगती। मानता हूँ कि इसमें कोई गलत नहीं है, बट एज ए वेजिटेरियन कोई फ़ायदा नहीं है मेरे लिए। अच्छा हुआ दिल्ली में नहीं रहता, असली दोस्त की यही पहचान, अपनी हांडी अपना नान। किशन लेट्स गो कैरी द टीम, आई एम गोना टाइम ड्रॉप प्रोबली बी इन योर टीम। ओके, एग तो खाते होगे, नहीं एग भी नहीं खाता। वाह क्या बात है, इमुगी लेजर्स को हटाया तो लॉन्ग रेंज वेपन दे मैप दे दिया इन्होंने, वाह क्या बात है भाई, ये चाहता है क्या है। स्कूल में आई एम इन साइंस क्लब, मंडे एक्सपेरिमेंट करना है, बिगेस्ट एक्सपेरिमेंट बाय मी एंड माय यूट्यूब फ्रेंड्स। अरे क्या बात है ओपी, नासा में जाने का तुम्हें वो मिल जाएगा, क्या कहते हैं उसको, यार क्या कहते हैं उसको, मुझे याद नहीं आ रहा। नोट वेट, आई एम इन एनिमी टीम। टेल मी दी योर इन गेम नेम नेथन, टेल मी योर इन गेम नेम। भैया ये रेवेनेंट को क्या हो गया भाई, इतना जल्दी कैसे इसका वो खतरनाक बन गया इतना रेवेनेंट। Also change my war robots gonna be undercover. Okay, Nathan, me abe वाले लक्षण नजर आ रहे हैं। Not wait, I mean enemy team. Yeah, really? Tell me the your in-game name. How I can recognize you? Tell me your in-game name. So that I can recognize you. मैंने बोला था silent buff मिल रहा है। Not wait, I am in enemy team. Okay. What is your in-game name? I will find you. अबे जिसको मारना उसको तो मारने दो, तुम और मजे ले लो। आई थिंक मुझे यही नेथन लग रहा है जो दूर से मुझे मारने के लिए आया। भाई अच्छा काम कर रहा है, नो डाउट। इसको लेवल अप कर लिया तो मज़ा आ जाएगा भाई, इसको मैंने अगर लेवल अप कर लिया तो मज़ा आ जाएगा। ये अभी लेवल 1 का इंसिनेटर हॉर्स कॉल्ड है, अगर इसको मैंने लेवल अप कर लिया तो मज़ा आ जाएगा। खासकर सायरन के ऊपर अच्छा चल रहा है, लेकिन वही है कि रीपर इसको मार देगा एक ही बार में, उससे बचा कर खेलना पड़ेगा इसको। रेवेनेंट नेथन था, अच्छा ओके, दैट्स व्हाई ही इज ट्राइंग टू किल मी। ओके नाइस ट्राई।
कार्डबोर्ड भाई, मेरे को भी एक्सपेरिमेंट करना है उसके लिए। मैं सांप की सवारी सीख रहा हूँ भाई। कितनी दूर से मार रहा है मुझे, देखो 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 भाई साहब। लॉक कर दी मुझे किसी ने। रीलोड, आई एम स्टक ऑन रीलोड। अरे दो दो टाइटन उतर गए रहे एक साथ में भाई 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 भाई, कुछ चुंबर बना दिया उन्होंने। दो दो टाइटन उतर गए एक साथ में। क्रैश कूल भाई, क्या चल रहा है? तुम सिल्वर लीग के प्लेयर मेरी लीग में क्या कर रहे हो? ऑल्सो आई एम नॉट इन क्लैन, सो या ओके। अच्छा, ऑल्सो इन केस यू डोंट नो सचिन, आई एम इन लीजेंड लीग, सो या ओ माई गॉड। 78 पेज का चेंज लोग MW ने दिया है। ओह भाई सब कहाँ डाला इन्होंने, कहाँ डाला है सुमित, कहाँ डाला है इन्होंने? आई थिंक दैट इज नेथन, आई थिंक सो ही इज ट्राइंग टू किल मी। भाई कुछ ज़्यादा डैमेज दे नहीं पा रहा यार, मैं महसूस कर रहा हूँ। ये देखो जीरो जीरो HP पे बैठा है, अगेन मैं नहीं इसको किल कर पाया। अब जाकर मरा ये टाइटन, जीरो HP पे था। डैमेज कुछ खास है नहीं इसका। भाई ये क्या उड़ता उड़ता आ रहा था इतनी दूर से? ओके हेलो वारहोक, वेलकम वेलकम वारहोक। ओके कार्डबोर्ड बाबा टेक केयर। व्हाई यूजिंग बेन ऑन सेरफ? बिकॉज रूक, आई वांट टू किल रूक शील्ड। दैट किड टाइटन गेटिंग सचिन होम बीकन। आई थिंक दिस इज यू, एम आई राइट नेथन? नेथन दिस इज यू, दिस इज योर हैंगर आई थिंक। अरे इट्स ओके किशन, हारने जीतने की परवाह नहीं है मुझे, डोंट वरी। आई हैव नॉट स्पॉन टाइटन येट। ओके वहां एक लिंक दिया है, ग्लोबल अपडेट भी आ गया है। आ गया ग्लोबल अपडेट तो मैं स्ट्रीम कर सकता। अरे डिस्कॉर्ड के कौन से रूम में डाला उन्होंने? डिस्कॉर्ड के कौन से रूम में डाला सुमित, बताना मुझे। ब्रो दैट वाज गुड वेपन टू किल रूक, दैट वाज अ गुड वेपन टू किल रूक। ओके डेवलपमेंट में, ओके ओके गॉट इट। पकड़ता हूँ मैं इसको, पढ़ूंगा मैं सारा क्या है क्या नहीं है। वेल नो सचिन, सो या लेटर आई गिव यू ए क्लू। ओके नेथन, वेट अ मिनट, मे बी आई कैन फाइंड यू, जस्ट अ मिनट, आई विल ट्राई टू फाइंड यू।
आई चेंज माई टाइटन लास्ट सेकेंड फ्रॉम रोक टू समथिंग एल्स. ओ माई गॉड यू आर सो स्मार्ट. मॉस्को के कैनन्स को एक्यूरेसी बढ़ा दिया. बढ़िया है बढ़िया है. आई एम बिग ब्रेन. आई मीन टू से दैट दोस वेयर नॉट गुड वेपन्स टू किल रुक. तो वारोक बताओ मैं कौन से वेपन्स को यूज करूँ रुक को मारने के लिए, मुझे इतना बताओ. यमेटो का भी डैमेज हाई है मेन कैनन का. ओके ब्रो यमेटो को के चेंजेस ओपी. अच्छा ये बताओ डबल ए उसका स्ट्रॉन्ग किया कि नहीं किया, ये बताओ बस कि उसका डबल ए स्ट्रॉन्ग किया कि नहीं. आई थिंक दिस इज यू, आई थिंक दिस इज यू. यस दिस इज यू करेक्ट, दिस इज यू. आई नो दैट दिस इज यू. नो इम्प्रूवमेंट. अरे 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 करना चाहिए था थोड़ा सा तो बफ करते एटलीस्ट. हैली को मारने के लायक तो बनाओ उसको. हैली भी नहीं मार पाता उसका डबल है तो. ओके इफ यू स्टॉप सर्चिंग आई विल टेल यू माय प्लेस. इंसिनेटर बुलावा हैमर. हैमर यूज कर सकता हूँ, मेरे पास हैमर है. अगले 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 थोड़ी देर बाद करूंगा क्योंकि अभी किशन खेल रहा है मेरे साथ. इंसिनेटर तो यूज कर रहा हूं मैं. उसका प्लेन्स को बफ किया. अच्छा क्या फायदा उसके प्लेन्स को बफ करके. हिमेटो के प्लेन का प्लेन में हेरा फेरी की है. इन द बैटल आई एम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ. ओके वेल सचिन वरना नो माई प्लेस. या नेथन टेल मी योर प्लेस सो दैट आई कैन रिकॉग्नाइज यू. एंड एक बार डिफेंस भी हटा दिया, एयर डिफेंस भी हटा दिया. ओके बढ़िया. बहुत मारा भाई मुझे इसने, बहुत मारा. भाई अच्छा डैमेज दे रहा है मेरा ये, क्या कि कोई और मार रहा है इसको. अबे मैंने दिया इसको डैमेज. नॉट बैड नॉट बैड नॉट बैड नॉट बैड. रेंज नहीं है यार मुझे रेंज चाहिए. आई थिंक वाइपर को मैक्स करना पड़ेगा. वाइपर का रेंज है, आई थिंक वाइपर को रेंज देना पड़ेगा. ब्रो डू यू नो दे आर गिविंग ऑक्स मिनोस इंस्टेड ऑफ नॉर्मल मिनोस एंड लूनर स्कोल्स इंस्टेड ऑफ स्कोल्स. हाँ इतना तो पता चला मुझे, दे रहे हैं ऑक्स मिनोस. कह रहे हैं कि सबको नहीं देंगे लेकिन पता नहीं क्या सीन है. भाई एक एक शॉट में मार गया भाई. MK3 था. ओहो MK3 लेवल है भाई, MK3 लेवल का है तभी बोलूं. एक शॉट में टाइफून ख़त्म. भाई ये भी सुई धागा यूज़ कर रहा था.
जिसे देखो सुई धागा यूज कर रहा भाई। बच गया मेरा मार्स, बच गया। हेलो ख्वाजा, क्या हाल चल, वेलकम वेलकम ख्वाजा। जा भाई जा, तू पहले मार कुछ, किसी दो चार बंदों को मार, मजा आजगा मजा। सुई धागे को लपेट दे, मैं तो आगे ही नहीं जा रहा। तीन बीकन है हमारे हाथ में, चलो इतना तो सही है। ये क्या करने आया रे भाई, भाई 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 भाई, नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो हमें, हमने कुछ नहीं किया। बढ़िया। यस्टरडे व्हाई यू ऑफ कमेंट, क्योंकि तुम परेशान कर रहे थे। आने से पहले ही फोड़ डाला। अरे इधर आओ इधर आओ इधर आओ, तुम्हें शील्ड देता हूं मैं, तुम भी क्या याद रखोगे सचिन भाई से क्या पाला पड़ा है। ये लो शील्ड लो, जबरदस्त वाली, जाओ। यार मेरे मार्स देखो कितना स्लो चल रहा है, बेचारे की टांगे तोड़ दी। ऐसा क्यों करते हो यार मेरे मार्स के साथ। लास्ट बैटल, ओके। पीछे से हमला, हमारे ऊपर पीछे से हमला किया गया। अरे ख्वाजा बकरीद, बकरीद की मुबारक, एंड वारहोक यू टू, बकरीद मुबारक। ब्रो आपको T2 हैरियर स्ट्राइक फाइटर याद है? यस याद है। ये मैच हम जीत गए, बढ़िया बढ़िया रे, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ओपी T2 का बेस्ट है ली, उसको फ्री फॉल बॉम्ब दे दिया। अच्छा वेल आई एम गोना गो फॉर 30 मिनट्स, बी बैक सून। ओके गॉट इट। ओ ईद मुबारक, यस। ओस्प्रे को T2 को 2 टॉरपेडो दे दिया। अरे वाह, ओस्प्रे यूज़ करूँगा फिर तो मैं, सबसे बढ़िया। 2 टॉरपेडो दे दिया तो सबसे बढ़िया।
टोरपेडो तो चाहिए था, बढ़िया है, सबसे बढ़िया है। अरे हाई कौन सा आया रे मेरे मैच में? ओहो ये यूज कर रहा था क्राइसिस। अरे लीच यूज कर रहा है, मैंने देखा है, नोट किया है, लीच आजकल यूज करने लग गए हैं दोबारा से। लीच मेरे पास है, अरे हाँ मेरे पास लीच है, लेकिन लीच का पायलट नहीं है मेरे पास। लीच का पायलट है थॉमस। लीच हैज इंक्रीज स्पीड वाइल इट्स एबिलिटी इज एक्टिव। अच्छा ओके नाइस 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 नाइस। और क्या देखना था? फ्री फ्रीडम। ओके पीएम निकोल आई थिंक सो, इसका नाम भी मैंने सुना है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, जी जी वेल प्लेड। एक मिनट रुकना जरा, रुको 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 रुको। ये मैच बाबा बंगाली की शक्तियों ने जिताया है। बी फैलन भी ट्राई करना, हाँ मुझे पता है इनका भी डैमेज बढ़ा है, आई नो दैट। अरे बहुत कुछ चेंजेस किए पता है, थोड़ा सा तो पता T3 में भी चलेगा अगेंस्ट सबसीएस। आई वॉज रियली होपिंग दैट दे गिव ऑक्स मीनो इंस्टेड ऑफ नॉर्मल वन, एंड आई एम ग्लैड दे डिड दैट। यस सचिन ब्रो, आई डिलीट मॉडर्न वारशिप बिकॉज आई एम सो लैगिंग। पता है मॉडर्न वारशिप में अभी लैग आ रहा है, मालूम है, कोई बात नहीं, इसमें घबराने वाली या कुछ गलत नहीं किया, डोंट वरी। एक मिनट रुको जरा यार, मैं देखूँ जरा कितना टाइम हो गया मुझे स्ट्रीम स्टार्ट किए। ओके दिस इज माई लास्ट मैच, ओके दिस इज माई लास्ट मैच। चलो मेरे साथ है कि नहीं है किशन? हाँ है ना, बस बढ़िया। 20 सेकंड्स के खाली करके वापस वापस करता है। अच्छा डिड यू नो दैट फ्रीडम हुसार एग्जिट्स इन द गेम? यस आई नो दैट फ्रीडम हुसार, आई डोंट नो द फ्रीडम, आई डोंट अबाउट फ्रीडम, आई नो दैट हुसार बट आई डोंट नो अबाउट फ्रीडम स्पेशल एडिशन हुसार। नो वाई, तुम्हारा मोबाइल मरते मरते बच गया तो इसलिए बोल रहा हूँ कि सही किया। अगर तुम्हारा गेम लैग कर रहा है तो इट मीन्स कि तुम्हारा मोबाइल मरेगा, टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, तो वो इसी वजह से बोला कि अच्छा किया तुमने। ऊपर से तुम हैरान होने वाला इमोजी यूज़ कर रहे हो, बताओ ज़रा, जब मोबाइल ही नहीं रहेगा तो तुम करोगे क्या? जोए के साथ भी यही प्रॉब्लम आ रहा था भाई। भाई कैसे सायरन मर रहा है मेरा, देखना जरा। ठीक है मार दिया उसने, ठीक है समझ में आता है, लेकिन ऐसे पलटिया मरते मरते क्यों मरना? अबे क्या है, चाहता क्या तू? भाई डैमेज तो दे रहा है यार, नो डाउट, बेन डैमेज तो दे रहा है यार, ऐसी बात नहीं है, बेन डैमेज दे रहा है भाई, ऐसी बात नहीं है। इट इज सोर, अरे यार मैसेज रीड करने दे रहे भाई, मुझे ही आकर मुझे मार कर जा रहा है, मैसेज तो रीड करने दे रहा भाई। इट इज सो रेयर दैट इट इज़ नॉट इवन गिवन विथ मनी टू। यस ब्रो, टॉम कैट और किल स्विच को क्यों बफ किया? अब मुझे क्या पता क्यों बफ किया, डेवलपर्स को पता होगा ये तो। आई ऑल्सो हैव ओनली वन फ्रीडम सर। ओके नो आई एम सेइंग यू आर स्टॉपिंग स्ट्रीम। अरे 2 घंटे हो गए रे भाई, 2 आवर्स हो गए मुझे लाइव स्ट्रीम करते करते, तो इसलिए बोला। बट दी मोस्ट रेयर बोट इज पापा मोबाइल वॉक, पापा मोबाइल हॉक।
अब ये टाइटन को वहाँ तक कैसे लेकर जाऊँ यार। सैरन को तात्या बिच्छू की शरण में लाओ और ओम बट स्वाहा कर दो। रेट्रो क्राइसिस एंड रीपर कमिंग सो यू विल गेट सचिन भाई। अच्छा ये तो बात ठीक है, लेकिन यार ये नहीं पता ना कि कब देंगे यार। अगर 7 तारीख से पहले पहले दिया तो सही बात है, अगर बाद में दिया तो कोई फ़ायदा नहीं ना, मुझे मिलेगा नहीं। देखते हैं अभी क्या होता है। मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स डोंट इवन नो अबाउट दी अबाउट दैट एससी हॉक यार। नो वारोक, मैंने नाम तो सुना हुआ है पापा करके स्पेशल एडिशन है, नाम तो सुना हुआ है। डिस्कॉर्ड पर कोई बात कर रहा था इसके बारे में, तो वहाँ से पता चला था कि पापा करके भी कोई स्पेशल एडिशन है इसका, बट मैंने कभी देखा नहीं आई थिंक सो। वो तो यूट्यूब पर सर्च मार लूँगा, वो तो मिल जाएगा वहाँ से। लाइक द स्ट्रीम गाइस, आई हैव यू हैव नॉट। एसबीडी का सुपर बफ क्या किया सुपर बफ में? अभी तुम इसको ना WR को WR ही रहने दो, मत कंबाइन करो दोनों चीज़ें। बाकी को बंदों को नहीं समझ में आ रहा कि क्या चल रहा है, ठीक है ना, मत कंबाइन करो। अभी MW की बात मत करो, MW स्ट्रीम करूँगा तो उसमें करना ये सारी बातें। अगर आज ग्लोबल अपडेट आ जाएगा तो शायद मैं MW की स्ट्रीम करूँगा मैं, अगर ग्लोबल अपडेट आ जाता है तो। गॉड इज गॉड ऑफ वर्ल्ड ऑफ वर्ल्ड ओ इज ऑपरेटर द डिस्ट्रॉयर। SBD को डार्क स्टार बना दिया, ओके बढ़िया। अरे किशन लास्ट मैच में क्या मारा है। ऋतिकेश, अरे ऋतिकेश ये वही है ना जो हमारी स्ट्रीम पर आता है, तुम्हारे ANZ की स्ट्रीम पर आता है, आई थिंक ये वही है ऋतिकेश। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, इसने मारा था मुझे स्कॉर्पियन लेकर। ये रहा, शील्ड ब्रेकर यूज कर रहा था। कोई ऋतिकेश नहीं आता मेरी स्ट्रीम पर, आता है फिर मेरी स्ट्रीम पर आता है फिर, मुझे लगा ANZ की स्ट्रीम पर भी आता है। चलो किशन अभी मैं जा रहा हूँ, वो लास्ट मैच था मेरा, बढ़िया खेले तुम लास्ट मैच में, बढ़िया खेले। तुम्हारा हैंकर देखो जरा, मैं अभी तक हैंकर नहीं देखा, इतना पता लिंक्स है तुम्हारे पास। अरे ग्लोरी लगा कर खेल रहे हो, क्या बात है क्या बात है। लेवल 7 है, पहले लिंक्स को लेवल 9 करो। दो लिंक्स खेल लगा कर खेल रहे हो, MK3 है दूसरा वाला, क्या बात है। लेवल 7 वाले को भी लेवल 9 करो, मजा आ जाएगा, क्या बात है क्या बात है। पापा मोबाइल हॉक इस किन्ना अगली, बट इट वॉज वन टाइम बॉट विथ सैम स्टोन्स, ओके। तुम्हारा इंदिरा भी बहुत बढ़िया है यार, इसी इंदिरा को रखो, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय। I'm going to end my live stream. Thank you so much for joining my stream. And biocarbonated nucleons. Okay. Bye bye Joy. Bye bye Warhawk. Bye bye Kishan. Bye bye Khwaja. Bye bye Code. Bye bye I love games. And bye bye everyone. अरे सुनो 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 सुनो, किसी को बीच में खेलना है एक दो मैच तो आ सकता है मेरे साथ अभी। किसी को अगर एक दो मैच बीच में खेलना है तो एक ने ना, रुको रुको रुको, मुझे नहीं अभी नहीं खेलूँगा मैं बीजे में। आई थिंक मुझे पहले देखना होगा कि मॉडर्न वारशिप का अगर अपडेट आ गया ना, अगर मॉडर्न वारशिप का अपडेट आ गया तो पहले फिर मैं उसका करूँगा तैयारी, उसकी लाइव स्ट्रीम का। चलो कहीं नहीं, रहने दो, छोड़ो, मीनोस लाऊंगा, ओके। चलो गाइस, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय एवरीवन।
बाय बाय एवरीवन, बाय बाय। अरे लाइक कर दो रे, जिस जिसने लाइक नहीं किया, कईयों के लाइक नहीं आए देख लिया मैंने, लाइक करते चले जाना रे, जिस जिसके लाइक नहीं हुआ, लाइक नहीं किया कईयों ने देख लिया मैंने। ऐसे कैसे करते हो तुम लोग यार, लाइक तो किया करो। ब्रो आई लाइक योर स्ट्रीम, बढ़िया बढ़िया ख्वाजा बढ़िया। मैं बोल रहा हूँ जिस जिसने नहीं किया बस वो कर दे, वो जिसने कर दिया है बहुत अच्छी बात है। चलो बाय बाय, बाय बाय एवरीवन।